दुनिया के इतिहास में कोई ऐसा योद्धा नहीं देखा कि जिहड़ा अपना तीर चलावे हथियार चलावे और दुश्मन वल सीध रहा होवे पर नाल ये एहसास होवे कि जिहड़ा बंदा उत्थे खड़ा है वो एक इंसान है ते वो कोई अमीर करोड़पति व्यक्ति नहीं सन वो संगत दे सहायता दे नाल चलन वाला पंथ सी लेकिन वो अपनी तीर दे अगे सोना ला के भेजते हैं क्योंकि तीर जिसनों लगेगा इंसान है जो जख्मी होवे उसका इलाज हो सके जो फौत हो जाए तो उसका दाह संस्कार हो सके। दुनिया का एको एक योद्धा है जो तीर दे नाल बिना मेडिकल बिल तो रीइंबर्समेंट भी भेजता है सिर्फ दसम पातशाह ने वो कोई दुनिया में दूसरी गल कि वह कलम नू किवें तीर वांग वरतते हैं। एक पासे बाहुबल है खालसा पंथ साजिया गया न्यारा खालसा साजिया गया मैदान जंग विच भाजना पा रहा है दूसरे पासे वो साडा महान योद्धा मैदान जंग विच बैठ के दुश्मन दे नाल कविता राही संवाद रचा रहा है जफरनामा वर्गी रचना दुनिया के किसी कवि की नहीं लिखी हुई जो युद्ध के मैदान में बैठ के सारे दुख तकलीफ सह के दुश्मन भी कह रहा है कि तू शायरी दे राही गल समझ क्योंकि शायरी राही गल समझाउणी सब तो वड्डा युद्ध है जो दुनिया के ऋग्वेद तो लैके हुण तक लड़िया जा रहा है। उन्हां दी शख्सियत के सारे पहलुआं नूं जे असीं सिर्फ एक समुच विच देखिए तो जदों गल कर रहे सी पात्र साहब कि पंज प्यारे अलग अलग सूबिआं विचों आए अज बाई एयर जान की फैसिलिटी है ट्रेन की फैसिलिटी है वो पंज प्यारे तो वलंटीयर ने ते जे पंज प्यारे वलंटीयर कर रहे ने कि असी तैयार हाँ तो वह हिंदुस्तान के सारे खित्तियां विचों आए हुए ने ते अंदाजा लाओ कि उन्होंने पहुँच कितनी दूर तक सी जदों कोई आवाजाही के साधन नहीं सी ते पूरा हिंदुस्तान उत्थे इकट्ठे सी उस ग्लोबल परंपरा नाल जुड़े हुए सी। जदों गुरु नानक पातशाह ने सिख धर्म शुरू किया असी डॉक्टर जसपाल सिंह की रहनुमाई में एक साउथ एशियन कॉन्फ्रेंस की थी तो उत्थे अफगानिस्तान तो एक एम पी आई वह नाम से ऑनर यार कौर अनारकली ऑनर यार कौर उन्होंने पूछा गया भी तू कौर किवें है जो उन्हें जवाब दिता वो हैरान करने वाला सी कि जदों प्रथम पातशाह गुरु नानक देव बगदाद गए सी साडे देश गए सी उदों मेरे परिवार ने सिख धर्म अडोप्ट किया मैं उस परंपरा विचों सो गुरु नानक साहब तो लैके गुरु गोबिंद सिंह साहब तक दसम पातशाह तक शाम के कवि दरबार में कविता एक पढ़नी है नानको गोबिंद रहा एक ग्लोबल धर्म है असी अज सैमीनार कर रहे हैं गुरु गोबिंद सिंह साहब की भारतीय समाज के सभ्याचार को देन पर भारत तो भी अगे जाके पूरे विश्व में देन है तो विश्व तक एक गल पहुँचा साडा फर्ज है जे असी ना पहुँचा सके बहुत वड्डी कोताही होएगी। थैंक यू वेरी मच।